हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आई एम निकिता गुप्ता एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी का मतलब क्या समझते हैं हम सभी, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब नॉर्मली तो हम सोचेंगे कि वो खराब है, ठीक है, लेकिन इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हम नहीं चाहते कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर हो, और अगर वो फिर भी वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर इम्प्योरिटी क्या होती है और किस तरीके से ये हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकती है, उसी को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले समझिए कि फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज होती क्या हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि इम्प्योरिटीज इन द फार्मास्यूटिकल्स आर अनवांटेड केमिकल्स विच रिमेन with the active pharmaceutical ingredients which is also known as API and develop during the stability testing or develop during the formulation or upon aging of both the API and formulated APIs in the medicine. The presence of these unwanted chemicals are even in the small amount but still may influence the quality, safety and efficacy of the pharmaceutical product. क्या कहना चाह रहे हैं कि pharmaceutics के अंदर जो है उस impurity से हमारा मतलब है कि कोई भी unwanted chemical मतलब वो chemical जो हमें नहीं चाहिए हमारे pharmaceutical product के अंदर, लेकिन still वो वहाँ पे present है, ठीक है। तो अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई अनवांटेड केमिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, इन अनवांटेड केमिकल प्रेजेंट है हमारे एपीआई के अंदर, या फिर जब हम उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं तब वो डेवलप हो गया है, या ड्रग को फॉर्मुलेट करते टाइम वो डेवलप हो गया है, या एपीआई या जो एक्सीपिएंट्स आपने उसके अंदर मिलाए हैं उनकी एजिंग के साथ वो डेवलप हो गया है, या जो मेडिसिन आप बना रहे हो तो उसको फॉर्मुलेट करते टाइम वो वहाँ पर जनरेट हो गया है, तो किसी भी रीज़न की वजह से आया हो, लेकिन अगर वो अनवांटेड है तो वो क्या कहलाएगी, हमारे प्रोडक्ट की इम्प्योरिटी कहलाएगी, ठीक है। और ये जो अनवांटेड केमिकल्स होते हैं, चाहे ये बहुत ही कम अमाउंट में भी प्रेजेंट हो, लेकिन अगर ये प्रेजेंट है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर तो ये क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को अफेक्ट करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को ख़त्म कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकती है, हमारे प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, क्लियर है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। अब भाई इम्प्योरिटी होती तो है, लेकिन इम्प्योरिटी कौन कौन से टाइप की होती है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर इम्प्योरिटी किस टाइप की होगी, जब हम ये समझेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि वो कितना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालेगी और किस तरीके से हम उसको वहाँ पर हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। सो अकॉर्डिंग टू ICH गाइडलाइंस, that means International Council on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for the Human Use, the impurities in the drug substance can be classified into following three categories. First is the organic impurities, in which consider process and drug related. Second is the inorganic impurities, and third one is the residual solvents. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ICH गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ICH मतलब क्या होता है, ICH का मतलब है इंटरनेशनल काउंसिल होती है ये, जो कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो ह्यूमन यूज के लिए यूज किए जाते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मेंटेन करती है, ठीक है। तो ICH के अकॉर्डिंग जो आपका ड्रग सबस्टांस है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उनको तीन मेजर क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट होते हैं आपके ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, सेकेंड होती हैं आपके इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, और थर्ड होता है आपके क्या, रेसिडुअल सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो ये तीन टाइप की इम्प्योरिटीज हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होकर के उसे क्या कर सकती है, कंटामिनेट कर सकती है, ठीक है। तो तीन टाइप की हैं, अब इसमें भी फर्दर डिफरेंट सब टाइप्स होते हैं। सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। तो इन इम्प्योरिटीज़ को मेजरली तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ऑलरेडी बताया गया है। फर्स्ट होते हैं आपके ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, सेकेंड होती है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, और थर्ड होता है आपके रेसिडुअल सॉल्वेंट्स,
ठीक है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो प्रोसेस रिलेटेड भी हो सकती हैं और एपीआई रिलेटेड भी हो सकती है। एपीआई मतलब कि जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके अंदर वो प्रेजेंट होकर के हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को क्या कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं, डिटोरिएट कर सकती हैं, कंटामिनेट कर सकती हैं। ठीक है, ये एपीआई रिलेटेड जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे जनरेट हो सकती है, उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकता है, अनवांटेड फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तीसरी सेकेंड होती है आपके प्रोसेस रिलेटेड, कि जब आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को और उस टाइम पर जो इम्प्योरिटीज जनरेट होती हैं, जैसे कि स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर हो सकती है, इंटरमीडिएट मटेरियल में जनरेट हो सकती है, प्रोसेस के टाइम पे आ सकती है, या फिर जो केमिकल रिएजेंट या कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो उसकी वजह से जब प्रोसेस आप कर रहे हो तो उसमें वो आ सकती है। ठीक है, थर्ड होती है आपकी स्टेबिलिटी रिलेटेड, कि भाई वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। इसके अंदर आते हैं आपके डिग्रेडेंट्स, जो कि आपके प्रोडक्ट को डिग्रेड कर देते हैं या डिग्रेडेशन को फास्ट कर देते हैं। सेकेंड होते हैं आपकी एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट। एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट का मतलब है कि वो ड्रग प्रोडक्ट जो कि किसके साथ रिएक्शन करते हैं, आपके एपीआई के साथ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्शन करके उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर देते हैं। और थर्ड होते हैं आपके एक्सीपिएंट इंटरेक्शन, जहाँ पे कुछ ऐसी इंप्योरिटीज हैं जो आपके एक्सीपिएंट को के साथ इंटरेक्ट करके जो मेन फॉर्मुलेशन है उसके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, एपीआई रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड और स्टेबिलिटी रिलेटेड। एपीआई रिलेटेड को फर्दर तीन टाइप्स में, स्टीरियो केमिस्ट्री, क्रिस्टलाइजेशन एंड फंक्शनल ग्रुप। प्रोसेस रिलेटेड को भी सेम तीन टाइप में, स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट एंड रिएजेंट केमिकल एंड कैटलिस्ट। और स्टेबिलिटी रिलेटेड के अंदर डिग्रेडेंट्स, एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट और एक्सीपिएंट इंटरेक्शंस। ठीक है, सेकेंड होते हैं आपके इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, जिसके अंदर उसको फोर टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आते हैं आपके हैवी मेटल, सेकेंड आते हैं आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, थर्ड आते हैं रिएजेंट, लीगेंट्स एंड कैटलिस्ट, और फोर्थ आते हैं आपके अदर मटेरियल्स जैसे कि फिल्टर एड एंड चारकोल। ठीक है, तो ये होती हैं आपके इनऑर्गेनिक, जो अगर आपके एपीआई या एक्सीपिएंट के अंदर प्रेजेंट है तो आपके फॉर्मुलेशन को क्या कर देती हैं, कंटामिनेट कर देती हैं। थर्ड होता है आपके रेसिडुअल सॉल्वेंट। रेसिडुअल सॉल्वेंट अगेन होते हैं दो टाइप के, एक तो होते हैं क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। रेसिडुअल सॉल्वेंट का मतलब होता है रिमेनिंग, जो बचा हुआ सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्वलाइज मतलब जो सॉल्वेंट डिजॉल्व होने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एक तो होते हैं आपके ऑर्गेनिक और एक होते हैं आपके इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज, कि भाई आपके फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के अंदर ये इम्प्योरिटीज आई हैं, ये तो समझ में हमें आ गया, लेकिन ये आई कहाँ से हैं, किन सोर्सेज से ये आई हैं। सो देयर इज वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस विच आर एज फॉलो। फर्स्ट इज द रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट को बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उस रॉ मटेरियल की वजह से इम्प्योरिटी आ सकती है। ठीक है, सेकेंड है मैथड और प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर, कि जब आप अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो, तो जिस प्रोसेस के हेल्प से बना रहे हो, जिस मेथड के हेल्प से बना रहे हो, उस मेथड की वजह से इम्प्योरिटी आ रही हो। थर्ड हो सकता है एटमोस्फियर कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस टाइम पर आपके जो एटमोस्फियर है उस एटमोस्फियर के अंदर पीएच चेंज, टेम्परेचर चेंज, ठीक है, ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पर जो एटमोस्फेरिक कंडीशंस हैं उनकी वजह से यहाँ पर कंटामिनेशन हो सकता है, या एटमोस्फेयर में माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी यहाँ पर हो सकता है। फोर्थ है डिफेक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि जब हम अपना प्रोडक्ट को बना रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ही अगर कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, तो वो भी क्या कर सकता है, हमारे फॉर्मुलेशन में इम्प्योरिटीज जनरेट कर सकता है। फिफ्थ है मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स, कि अगर आप कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हो और मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त कोई हार्मफुल केमिकल आ जा रहा है, हजार्डस मटेरियल आ जा रहा है, तो
तो वो भी क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट को खराब कर देगा, कंटामिनेट कर देगा। और लास्ट 6 आता है स्टोरेज कंडीशन की। आपने तो प्रोडक्ट एकदम सही बनाया है, सही से प्रोसेसिंग किए, मैन्युफैक्चरिंग किए, सब पैकेजिंग वगैरह सब सही से किए, लेकिन जब आपने उसको स्टोरिंग के लिए रख दिया, जब आपने उसको पैक करके स्टोर करके रख दिया, तब वहां पर स्टोरेज के टाइम पर जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी वजह से, या जो आपका एटमोसफियर है उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कंटामिनेट हो रहा है। तो उसको बोल रहे हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज। अब भाई ठीक है, आ गई इम्प्यूरिटी तो आपके फॉर्मुलेशन में, लेकिन हमको प्रॉब्लम क्या है इसको आने से, आ जाने तो आ गई तो क्या दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है वो देखो कि नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ इम्प्यूरिटी, कि ये इम्प्यूरिटी क्या इफेक्ट हमारी फॉर्मुलेशन पर डालती है। सो द इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द सबस्टांस मे हैव द फॉलोइंग इफेक्ट्स सच एज, फर्स्ट इम्प्योरिटीज मे ब्रिंग अबाउट इनकम्पैटिबिलिटी विद द अदर सबस्टांस। ठीक है, इम्प्योरिटी क्या करेंगी, हमारे सब्सटेंस के अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी वो क्या कर सकती है, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके इनकम्पैटिबिलिटी कर सकती है। और जब अगर कोई सब्सटेंस इनकम्पैटिबल हो जाएगा तो फिर वो यूजेबल नहीं रह जाएगा। सेकेंड है इम्प्योरिटीज में लोअर द शेल्फ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस। इम्प्योरिटी क्या कर सकती है, हमारे जो सब्सटेंस है, जो फॉर्मुलेशन है, उसकी शेल्फ लाइफ को कम कर सकती है, यानी कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसको जल्दी ले आएगी, आपको प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाएगा, उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी शेल्फ लाइफ को कम कर सकती है। थर्ड है इम्प्योरिटी में कोज डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन एंड यूज ऑफ द सब्सटेंस, कि जो इम्प्योरिटी क्या करेंगी कि जब आप फॉर्मुलेशन आपकी बना रहे हो, ठीक है, तो उसके बनाने में दिक्कत आ सकती है, या जब आप उसको यूज कर रहे हो तो यूज करते वक्त भी वहां पर दिक्कत आ सकती है, किसकी वजह से, इम्प्योरिटी की वजह से। फोर्थ है कि समटाइम्स इम्प्योरिटीज चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। कभी कभी क्या होता है, इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट होती है ना आपकी फॉर्मुलेशन में, तो आपके मेन सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, यानी उसके कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, टेक्सचर, इनको चेंज कर सकती है, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन करके आपके प्रोडक्ट के केमिकल नेचर को भी वहां पर चेंज कर सकती है। नेक्स्ट है थेरापूटिक इफेक्ट कैन ऑल्सो भी डिक्रीज। क्या हो सकता है कि आपका जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके जो थेरापूटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो भी क्या हो जाए, यहाँ पर रिड्यूस हो जाए, डिक्रीज हो जाए। एंड लास्ट है शोज टॉक्सिक इफेक्ट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि अगर ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है आपकी फॉर्मुलेशन में, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये क्या कर सकती है, टॉक्सिक इफेक्ट भी कर सकती है, यानी कि हार्मफुल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी बात हुई किसके लिए, इम्प्योरिटी के लिए। तो क्या समझ में आया हमारी इम्प्योरिटी से, कि इम्प्योरिटी का मतलब है कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो हमको हमारी फॉर्मुलेशन में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मुलेशन को खराब कर सकता है, उसके थेरापूटिक इफेक्ट्स को कम कर सकता है, उसके फिजिकल केमिकल नेचर को अफेक्ट कर सकता है, उसके यूज करने के तरीके को चेंज कर सकता है, फॉर्मुलेशन बनाने में प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसलिए हमको वो इम्प्योरिटी नहीं चाहिए। ठीक है, आ कहाँ से रही है, रॉ मटेरियल से आ सकती है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से आ सकती है, स्टोरेज से आ सकती है, ठीक है, फॉर्मुलेशन प्रोसेस से आ सकती है, मेथड से आ सकती है, और कौन कौन से टाइप की हो सकती है, अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे और इनऑर्गेनिक और डिफरेंट फॉर्मुलेशन रिलेटेड सब्सटेंसेस, सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ये सारी बात हुई किसके रिलेटेड, इम्प्योरिटी के रिलेटेड। सो इसी तरीके का और फर्दर कंटेंट जानने के लिए जुड़े रहें बीएसपी फार्मेसी के साथ, और अभी डाउनलोड करें बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, एंड आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से कंप्लीट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सब्जेक्ट। सो थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन।